फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स मैं आज एक शादी में आई हुई हूँ। मैं एक शादी में आई हूँ जिसमें एक लड़की की शादी हमारे समाज के लोगों ने कराई हुई है। एक लड़की जो बहुत ही निर्धन फैमिली से थी, जो इसकी माँ घर दूसरों के घर में काम किया करती थी, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। बेटी की सगाई हो चुकी थी, 4 बहनें थीं और एक इनका छोटा सा भाई है। तो हमारे समाज के लोगों ने सोचा क्यों ना इस बेटी का विवाह करा दिया जाए। तो इन सब लोगों ने मिलकर इसका विवाह कराया है। देखिए बहुत ही प्यारी सी बेटी है एक, जिसका विवाह कराया हुआ है। इनके माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी बेटी का इतना अच्छा विवाह होगा और इतने अच्छे तरीके से उसकी शादी संपन्न की जाएगी। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी शादी हुई है। बहुत सारा सामान भी मिला हुआ है इसे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सभी ने गिफ्ट की हैं। किसी ने फ्रिज तो किसी ने अलमारी, किसी ने कूलर, किसी ने कुछ, बहुत सारा आइटम इस लड़की को मिला हुआ है। और देखिए इस किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ऊपर वाले के हाथ में होता है सब, जो ऊपर वाले को कराना होता है वही होता है। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी शादी संपन्न हुई है। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी शादी इतनी अच्छे से होगी, क्योंकि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थी। इसके पिताजी भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी जयमाला हो रही है। सारी लेडीज़ों ने इसे गोदी में उठा रखा था, फिर उसने जयमाला पहनाई थी, बहुत ही अच्छे से जयमाला संपन्न हुई थी। लड़का भी लड़की को जयमाला पहना देगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है, दोनों छोटे छोटे से लग रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। अब ये लोग पिक निकलवा रहे हैं, जब तक मैंने कुछ अपनी पिक भी निकाल ली थी। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, दूल्हा दुल्हन के जो बीच में खड़े हुए हैं, वाइट कलर की साफ़ी डाले हुए हैं, ये महाराज जी हैं, अश्विन महाराज जी, ये भागवत बोलते हैं। ये भी यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सबको गृहस्थ जीवन के बारे में बताई, पति पत्नी के बारे में बताई। इन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई थी, वो बातें हैं आप लोग भी सुन लीजिए। आप लोग भी, आप सब लोग, मेरा निवेदन है कि अपने घर की बेटियों को आजकल हम लोग बहुत समय देते हैं विवाह के पहले लड़के खोजने के लिए, बहुत समय नहीं, सबसे पहले अपने घर की कन्याओं को राम जानकी आदर्श विवाह, अब तो खैर चित्रकूट में पहले छपती थी, नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है और अगर हमारे कारण कोई भूखा रह गया तो उस दिन से कन्या का वो पुण्य नष्ट होता है। बालक का कर्तव्य है कि उस कन्या की रक्षा करे और रक्षा के संग में अपने परिवार के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करे। ये बालक की बात है, इसीलिए सातवें वचन में कहा गया है सखा। और देखिए बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि सासू माता कैसी होनी चाहिए। इसके लिए भी साहब थोड़ा आनंद रामायण की ओर चलते हैं। ये प्रसंग आनंद रामायण से है, ध्यान से सुनिए। राम जी की माँ को, कौशल्या परम्मा माँ को ये यकीन था कि मेरे राम से सुंदर कोई नहीं हो सकता। जब भी कहती थी बोले इस संसार में मेरे राम से सुंदर कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। ये बहुत मन में बात रहती थी कि मेरे राम से सुंदर कोई नहीं है और जो भी बहू आएगी वो मेरे राम से सुंदर। ऐसा ही होता है ना, हर माँ को अपना बेटा बहुत सुंदर लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? और ऐसा ही परम्बा जी सोचिए, जब साधारण माओ को अपना बालक इतना सुंदर लगता है तो भगवान की माँ को कितना सुंदर लगता होगा। हुआ यही विवाह हुआ और विवाह के बाद सबसे पहली बहुत अच्छी एक रस्म होती है, इसे कहते हैं मुंह दिखाई। वधू का दर्शन किया, मैंने कहा था ना कि लक्ष्मी स्वरूप में दर्शन किया जाता है। तो जैसे ही परम्बा मां सीता जी पहली बार पहुंचे तो सबसे पहले दर्शन करे माँ केकई ने। माँ केकई बोली, बोले इतनी सुंदर बहू के लिए मेरे घर में कोई सुंदर भवन ही नहीं है, पूरे अयोध्या में सीता जी जैसी सुंदर क्यों, कन्या के अनुरूप भवन होना चाहिए। बोले इतना अनुरूप भवन तो पूरे अयोध्या में कहीं नहीं है। तो प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को